हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से रहें। तो मैं हूँ मीनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमपी डिलाइट। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूनिक है। आपको बहुत कम ये रेसिपी देखने मिलेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं पाया शोरबा, या आप इसे पाए का सूप भी कह सकते हो। दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी है। जिन्हें भी हड्डियों की तकलीफ है, कैल्शियम की कमी है, उनके लिए पाया सूप बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर घर में बनाइए और एक बार इसे ट्राई ज़रूर दीजिए। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, चलिए हमारे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पाए के पीसेस ले लिए हैं। मटन वाले से मैंने ये अच्छी तरह से साफ करवा के ले लिए हैं और घर पे इसे अच्छी तरह से धो लिया है। और साथ ही मैं इसमें कुछ चर्बी यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि फैट आएगा इस पाए के सूप में। मैं बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में पाया ले लिया है। इससे मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 TSP मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1/2 TSP मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है। साथ ही में हम इसमें कुछ गरम मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं। 15 से 20 मैंने यहाँ पे काली मिरी ले ली है। और साथ में ही हम 5 से 6 इसमें लौंग डाल देंगे। और 1/2 TSP मैंने इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया है। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 प्याज ले लूँगी, जिन्हें मैंने चॉपर में बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है। दोस्तों, ये प्याज से इस को एक अच्छा टेक्सचर आ जाएगा और ये प्याज इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने इस सब प्याज को पाए के सूप में डाल दिया है। साथ ही में मैं इसमें 1/2 TSP धनिए का पाउडर डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अराउंड 4 ग्लास पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें इन पायों को बहुत अच्छी तरह से गला लेना है। तो ये कुकर का पानी जो है वो आधा हो जाएगा। तो फ्रेंड, चम्मच से हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको इसकी लीड लगाकर इसमें अराउंड 12 से 15 सीटियां ले लेंगे, या तब तक जब तक ये पाए बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाते। फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगी और आपसे मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो यहाँ पे 12 से 15 सीटियाँ हो चुकी हैं और मैंने ये ढक्कन खोल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारा पाए का शोरबा रेडी हो गया है। मैं आपको ये हड्डी दिखाती हूँ। देखिए, इसकी स्किन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और मेरा पूरा घर खुशबू से महक रहा है। तो दोस्तों, एक बार हम चम्मच से इसे इस तरह से मिला लेंगे ताकि जो भी प्याज है वो इस शोरबे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, हमारा शोरबा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी सर्विंग करते हैं। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जिन्हें भी कैल्शियम की कमी है या हड्डियों की तकलीफ है, उन्हें ये सूप बनाकर ज़रूर पिलाइए। तो देखिए दोस्तों, ये कितना बढ़िया लग रहा है सूप। ये जो ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा है ना, ये चर्बी की वजह से आया है। तो हमारा पाए का शोरबा बिल्कुल बनके तैयार है। तो इसे आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटियों के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में और एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।